नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, जिस तरह के आपके कमेंट आए कि भैया दुकान में काम बहुत कम हो गया है, क्या करें, दुकान में मार्जिन नहीं आ रहा, क्या करें, दुकान का काम कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे मेरे भाइयों ने मैसेज किए कि भैया दुकान पर काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज मेरी वीडियो होने वाली है कि भैया ऐसा क्या ऐड करें मैं दुकान में कि भैया आपकी दुकान चल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरे सभी भाइयों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बिजनेस और तरक्की करे, नए साल आपके लिए खुशियां लेके आए। तो चलिए वीडियो करते हैं फिलहाल शुरू। देखिए दोस्तों, दुकान ना चलने के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आपके आसपास के आप और दुकान तो नहीं खुल गई हो, आपकी मार्केट उसकी वजह से डाउन ना हो गई हो, सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा, आपने नई दुकान की हो तो धीरे धीरे काम चलता है, एकदम से तो मार्केट किसी की भी नहीं बनती। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है सर्दियाँ। फिलहाल सर्दियों में आप लोगों को तो पता ही है, जो किराना की दुकानें होती हैं वो उनकी ये मान के चलो अगर 100% इनकम है तो 70% रह जाती है सर्दियों में। अगर गर्मियों में 100% है, उसमें गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स है, दूध है, लस्सी है, इस तरह की आइटम्स बिकती रहती है और दिन भी बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटा होता है, तो ये आइटम्स आपकी कम हो जाती हैं बिकनी। तो इसको लेके भी आप एक बड़ा रीज़न मान सकते हैं कि भैया सर्दियों में दुकान कम क्यों चलती है। तो इसी को लेके मेरी ये वीडियो है आज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप अपनी दुकान में ऐसा क्या ऐड कर सकते हो कि भाई इन जो ये आइटम मैंने बताए हैं, जो भी रीज़न है आपकी दुकान की सेल डाउन होने का, वो कैसे बढ़ जाए, कैसे आपका मुनाफा हो। तो सबसे पहले मैं आपकी दुकान में ऐड करना चाहूँगा प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन जिसको बोल देते हैं आप, प्रिंटर। लैपटॉप या कंप्यूटर में से एक आपको लेना पड़ेगा, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, दो आइटम। और तीसरा एक फ़ोटो लेमिनेशन की मशीन आती है, आप एक ये चीज़ ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रिंटर की, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे पास प्रिंटर है ये वाला कैनन जी 2000, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैनन जी 2000 एप्सन का, कैनन का ये प्रिंटर है जो कलर कॉपी भी निकालता है और ब्लैक एंड वाइट दोनों निकालता है। और दूसरी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है मशीन टेक बाइट की, आप लोगों को दिखाई दे रहा है टेक बाइट, ये मशीन लेमिनेशन करने की मशीन है। और तीसरा जो आप लोगों को पता ही है, मेरे पास एक लैपटॉप है वो। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब इनके मैं आप लोगों को तीनों के फ़ायदे बता देता हूँ, होते क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ोटो कॉपी कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मेरे पास 200-250 रुपये तो फ़ोटो कॉपी के आ जाते हैं दिन में। एक आधे कस्टमर को तो मैं बल्कि टाल देता हूँ, जैसे एक दो कॉपी करानी हो मैं कह देता हूँ कि भैया ये, क्योंकि काम बहुत है, किराना का भी काम है और इसका भी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप मशीन लेके फोटोकॉपी कर सकते हो। अब दूसरा है प्रिंट आउट कोई भी निकलवाने आता है, 10 रुपये कॉपी ली जाती है, आप 10 रुपये कॉपी, कोई भी बोलेगा कि भाई प्रिंट आउट निकाल, अब बगैर लैपटॉप के, बगैर या कंप्यूटर के आपके प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई पुराना सा ले सकते हैं, 10,000 रुपये में बहुत बढ़िया कंप्यूटर आ जाएगा। तो कंप्यूटर भी चाहिएगा आप लोगों को, जिससे मतलब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए कि मैं 10 रुपये एक कॉपी लेता हूँ प्रिंट आउट की, अगर बल्क में भेज दी किसी ने, कभी PDF फाइल बना के भेज दी, बल्क में 50-60-70-100 कॉपियाँ तक निकल जाती है, तो मैं उससे बल्क में कम पैसे ले लेता हूँ। ये मान लीजिए 100 कॉपी है तो मैं उसको 3-4-5 रुपये तक एडजस्ट कर लेता हूँ कि भाई 3 रुपये कॉपी, 4 रुपये कॉपी, 5 रुपये कॉपी, आपका तो लगता कुछ नहीं, एक कमांड देनी और सारे के सारी PDF फाइल में से प्रिंट आउट अपने आप निकल जाएगा। एक रास्ता ये है आपकी इनकम को बढ़ाने का। दूसरा है प्रिंट, लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। आजकल पैन कार्ड बनाने के लिए आपने पता होगा बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, वैसे भी दुकानें हैं कि भैया पैन कार्ड अप्लाई करें, तो ये काम आप भी कर सकते हो। थोड़ी सी नॉलेज यूट्यूब पे पैन कार्ड को लेके बहुत वीडियो बनी हुई है, आप वो देख के पैन कार्ड बना सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, जो भी है काम आपका, जैसे प्रिंट आउट है, फोटोकॉपी है, लेमिनेशन है, या पैन कार्ड है, आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो, इन चीज़ों को सबको एक A4 साइज़ शीट होती है आपके पास होगी, वो तो
अगर प्रिंटर है तो वो भी होगी, जाहिर सी बात है। वो लो और उस पे टाइप करो प्रिंट, ये जो कुछ मैंने बताया है, पैन कार्ड, फोटोकॉपी, आधार कार्ड डाउनलोड करना, और ये सब लिख के, प्रिंट आउट वगैरह ये लिख के आप दुकान के बाहर चिपकाओ। एक मैंने अपने दोनों साइड चिपका रखे, इधर भी और इधर भी, मेरी दोनों तरफ ये चिपके हुए हैं। वैसे मेरी मार्केट बनी हुई है, सभी को पता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया, वो आज तक चिपके पड़े हैं। एक तो ये करना होगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, आधार कार्ड आप बना नहीं सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन, वो आपके काम आएगा। कोई भी आएगा, भैया मेरा आधार कार्ड डाउनलोड करवाना है मुझको, वो आप कर सकते हो। आधार कार्ड इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आप देख के सीख सकते हैं। तो आधार कार्ड की डाउनलोडिंग के आपके हिसाब से जो चार्जेस हो, आप 50 रुपये ले सकते हो। वैसे कोई जो गवर्नमेंट फीस होती है उससे अलग आप 50 रुपये ले सकते हो एक आधार कार्ड के। अच्छा, एक सबसे बड़ा जिसको फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों का, उसको होने वाला है जिसकी गांव में दुकान है या शहर से दूर दुकान है, कस्बे में दुकान है, उसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसका क्या है कि भाई गांव से या कस्बे से, जो शहर से जिसकी दुकानें दूर हैं, वहां से जो आदमी आते हैं वो शहर में जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए, नौकरी के सिलसिले में या कोई भी अदरवाइज फॉर्म है, वो बाहर जाते हैं। लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, प्रिंट आउट होगा, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, उनके ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। आप अगर खाली बैठे हो तो आप ये काम कर सकते हो इजीली। इस तरह की उसमें चाहिए कि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज, लैपटॉप आपके पास आई, प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर हो गया, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और इसमें मार्जिन भी बहुत तगड़ा है। तो अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके पास दिन के 2 कस्टमर भी आ गए तो आपकी बचत आराम से हो जाती है, दो कस्टमर पे ही। यही मान लो यार, 200-250 कुछ तो बचेंगे, थोड़े हैं। जैसे काम डाउन है आपका फिर बढ़ जाएगा, करते तब भी रहना, लेकिन मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 कस्टमर भी आ गए तब भी आपका खर्चा निकल जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को, कलर प्रिंटर लेना है उसमें क्या होगा, आप फ़ोटो भी बना सकते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा 50 रुपये के 4 फोटो बनाते, 60 रुपये के 4 बनाते, कई तो 40 रुपये के 4 बनाते। मैंने फ़ोटो को, मैं खुद बनाता हूँ फ़ोटो भी, अभी नहीं बनाता क्योंकि अभी दुकान पे काम कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन स्टार्टिंग मैंने जैसे शुरू किया था उस टाइम पे फ़ोटो भी बनाता था। अच्छा, बात कर लेते हैं अभी ये किस चीज़ में और काम आ सकता है। फ़ोटो बना सकते हो आप इसे, कलर फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, वैसे ब्लैक एंड वाइट अभी चलते नहीं, कलर फ़ोटो आप बना सकते हो इसे, कलर प्रिंटर से ही बनेंगे, प्रिंटर आपको कलर ही लेना होगा। और फ़ोटो में मार्जिन लगता आपका कुछ भी नहीं है, 70 रुपये का एक पूरा बंडल आता है, उसमें 20-30 के करीब होते हैं पीस, मैंने ला के रखा है जिस पे फ़ोटो निकलते हैं, वो ले सकते हो आप। 40-50 रुपये ईजिली आपको दे देते हैं, आप बाहर चिपकाओ के भाई यहाँ पे फ़ोटो बनाए जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है। स्टार्टिंग में मैं बनाता था, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वो उतार दिया उसको, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सच बताऊँ, किराना से अलग टाइम ही नहीं है। फ़ोटो बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि भैया सोचे। मैंने यूट्यूब पे ही देख के सीखा कि भाई फ़ोटो कैसे बनाए जाते हैं। एडोब प्रीमियम शॉप एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कीजिए और उसमें आप सीख जाओगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको आ जाएगा करना। मैं स्टार्टिंग में करता था, अब मेरे पास जैसे मैंने बताया टाइम नहीं है, तो फ़िलहाल मैं नहीं करता। मैं क्योंकि दुकान पर ही थोड़ा ज़्यादा काम होने लग गया, उसी में बिजी रहता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था, फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं, जो मैंने आपको दिखाई है लेमिनेशन की मशीन, लेमिनेशन कर सकते हैं आप। 10 रुपये कॉपी एक छोटे आई कार्ड पे लेता हूँ मैं, और 20 रुपये लेता हूँ बड़ी, मतलब मार्कशीट वगैरह उस पर कर लेते हैं तो, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। वही जैसा, वही रीज़न फ़ोटो वाला ही है कि भैया टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं उन पर कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये मैंने मोटे मोटे 7-8 टॉपिक आपको नोटिस करवा दिए। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया, प्रिंटर और ये लेमिनेशन मशीन है और एक लैपटॉप है, इजीली आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रिंटर आपको कलर वाला ही लेना है, ब्लैक एंड वाइट वाला नहीं लेना है। जी सीरीज़ का, कैनन का जी सीरीज़ का कोई भी प्रिंटर ले लेना, कलर्ड है। आप एक बार उसमें उसके रिव्यू भी देख लेना, लेकिन मेरे पास कैनन G2000 है, G2000 ये प्रिंटर मेरे को पड़ा था 9000 रुपये का। और जो मैं ये लेमिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये मशीन आई थी मेरे को 1400 रुपये की। मेरे पास लैपटॉप है, वो थोड़ा महंगी कॉस्ट का है, लेकिन आप सस्ता ले सकते हो। पुराना कोई पीसी ले लो यार, 7-8-10 हज़ार रुपये तक का बहुत बढ़िया मिल जाएगा। मोटा मोटा ये बता रहा हूँ मैं। और इतने में अब जैसे ये एक बंडल है A4 साइज़ पेपर, ये लेने पड़ेंगे आपको। ये पूरा बंडल यहाँ पे मेरे सिटी में मिलता है 150 रुपये का, आपकी सिटी में मुझे पता नहीं इतने का ही मिलेगा, 5-10 रुपये ऊपर नीचे। एक ये लेना पड़ेगा आपको, एक बंडल में 500 पेज निकलते हैं, एक कॉपी के आप 2 रुपये लेते हो। अब इसमें 500 पेज आपको 150 रुपये के मिलते हैं, कुछ भी नहीं। एक लाइट लगती है और एक ये पीस लगता है, मतलब बहुत बढ़िया कमाई है, बहुत बढ़िया कमाई है। जैसे गांव में दुकान मैंने बताया कि आप करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो गाइस समझ गए होंगे कि भैया अगर आपकी कमाई कम हो रही है तो आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, जिस तरह मैंने कि आप भी कर सकते हो।
आपको नॉलेज हो तो बेशक ले आना, अगर नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो बेशक मत करना, कोई दिक्कत नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।